मानने का जो मैयार है ना, वो अकल में आना नहीं, अकल को महबूब के हुक्म के ताबे कर देना है। जिन्होंने अकल को महबूब के हुक्म के ताबे किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको उम्मत के लिए रोल मॉडल बना दिया है। अगर तेरी अकल कामिल है ना, तो फिर अपने जिस्म की बू दूर करके दिखा। तेरे जिस्म से बदबू आती है, दूर कर उसे, तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर ये कमाल नहीं। लेकिन जिसको रब कमाल देता है, उसका पसीना भी खुशबू बन जाता है। ये झगड़ों के मसले नहीं है, ये उसकी अता के मसले हैं। ये बैठ बिठा के मुबासे करने से, तकरार करने से, मुनाजरे करने से नहीं होते, उसकी कुदरतों को मान जाने से हल होते हैं। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम कामिल थे, अकमल थे, मुकम्मल थे। उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत का सर चश्मा बना के भेजा। उन पे जो सहीफे नाजिल किए गए, वो कौम के लिए नसीहत थी, कौम के लिए हिदायत थी, कौम के लिए उसमें सबक था। बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के लिए नाजिल किया गया, ये गुमराही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल व अकमल हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो पैगाम हुज़ूर अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमाया करते थे। अब ज़ाहिर है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कोई शख्स भी यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आया, और हमेशा ना रहना इस वजह से भी है कि जिस चीज़ में हमेशगी हो जाती है, उसकी कदर व मंजिलत ख़त्म हो जाती है। माँ बाप भी अगर आपके पास हमेशा रहें, तो वल्ला आप वो अशर करें अपने माँ बाप का कि उसको लफ्ज़ों में बयान ना किया जा सके। औलाद भी अगर इंसान के पास हमेशा रहे, तो इंसान वो हशर करे, उसको लफ्ज़ों में बयान ना किया जा सके। जानवर भी अगर इंसान के पास हमेशा रहें, तो इंसान जानवरों पर भी वो जुल्म करे कि जिसको लफ्ज़ों में बयान ना किया जा सके। बस ये वो खालिक कायनात ही जानता है कि उसने जो चीज़ बनाई है, कितने अरसे के लिए बनाई है, और उसके बनाने के पीछे राज और हिकमत क्या था। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो आया है उसने जाना है। और अल्लाह के नबी जो थे, अगर ये हमेशा के लिए इस ज़ाहिरी दुनिया में क़याम पज़ीर रहते, लोगों के अंदर आखिरत का जज्बा पैदा ना होता, आखिरत का तसव्वुर कामिल ना होता, वो ये ख्याल करते कि देखो चलो हम लोग जो हैं वो तो आए भी हैं और गए भी हैं, यानी मखलूक आम जो है, उम्मतें आई भी और गई भी, आती भी रहीं, जाती भी रहीं, लेकिन अल्लाह के जो नबी हैं वो तो नहीं ना गए। तो चूँकि नबियों को जो है वो मौत के जायके से नहीं गुजारा जा रहा, तो शायद ये जो किताबुल्लाह हमें कहता है मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी है, शायद इसका कोई तसव्वुर कामिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें ये भी हिकमत रखी कि ऐ अंबिया, आप अपनी उम्मतों के लिए रोल मॉडल हैं, तो आप भी इस मरहला मौत से गुज़रें, इस जायका मौत को आप भी चखें, ताकि आपकी उम्मत की तरबियत जो आपने ख़ुद अपनी ज़ुबान से फरमाई है, अपने अमल और किरदार से फरमाई है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरबियत इंसानियत के लिए जो सहीफ़े और किताबें नाजिल की हैं, आपकी उम्मत अपनी आँखों से और अपने हवासे खमसा से ये जान ले कि इस मरले से हर एक ने गुजरना है, मरना भी बरहक है, कब्र में जाना भी बरहक है, अजाब कब्र और अजर कब्र भी बरहक है, इसके बाद दोबारा ज़िंदा किया जाना भी बरहक है। इसलिए कि जो बंदा ज़ुबान से कहता है, अगर वो अमल से कर गुज़रे, तो देखने वाले को 100% यकीन हो जाता है कि जो कुछ इसने कहा था वो सही कहा था। और अगर इंसान के कौल और फेल में तजाद रहे, ज़ुबान से कुछ कहे और उसका अमल कुछ हो, तो फिर बाज़ औक़ात वसवसे और तवाहुमात का मखलूक शिकार हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1.25 लाख अंबिया मबूस फरमाए, और वक्त मुकर्रा पर उनका विसाल भी हुआ, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पर्दा फरमा गए। ये किताब जो थी, जाहिर है कि एक तो खुश नसीब उम्मत के अफराद वो हैं कि जिन्होंने सरकार की जुबान नातिक से वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा की जुबान मुकद्दस से अल्लाह का पैगाम सुना। लेकिन चूँकि सरकार का ज़माना को 2 सदियों का तो था नहीं, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने तमाम इंसानों के लिए नबी बना के भेजा, तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा, तमाम इंसानों के लिए हादी और महदी बना के भेजा। ये सरकार के वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मखलूक की तरबियत के लिए भेजी है। सारी तमहीद अर्ज़ करने के बाद मैं इसको खुलासतन यूँ अर्ज़ करूँ कि कुरान मजीद में जितने अहकाम बयान हुए हैं, जितनी कहानियाँ बयान हुई हैं, कहानियाँ यानी वाकयात, जितने वाकयात, वैसे ये लफ्ज़ कहानी भी कोई ऐबदार नहीं, कोई इसे ऐबदार बना दे तो उसकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी बयान की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी बयान की, वाकयात बयान किए, अहवाल बयान किए, अदवार बयान किए, और ये
सारे किस्से बयान करने का मकसद ये था कि किस्सा, मिसाल, स्टोरी और कहानी बाद वालों को पहलों की इसलिए बताई जाती है ताकि बाद वाले नुकसान से बच जाएं और जो कुछ पहलों पर गुजर चुका है उसे अपने लिए हिदायत के तौर पे इस्तेमाल कर लें। लेकिन आज के दौर में चूंकि बदजुबानी का ज़माना है, बहुत सारी वो चीज़ें जो ऐब नहीं थी ऐब बना के पेश किया जा रहा है, वो चीज़ें जो बुराइयां नहीं थी उनको बुराई बना के पेश किया जा रहा है, बहुत सारे वो काम के जो नेकी नहीं थे उनको नेकी बना के पेश किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आज लोगों ने अपने से पहले गुजरे हुओं की तौहीन करना, इसको तबलीग दीन का नाम दे लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको गुमराह ही करार दे के गए, फरमाया क़ुर्बे क़यामत फितने जाहिर होंगे और उन फितनों में से एक बड़ा फितना ये होगा कि बाद वाले पहले गुजरे हुए लोगों पर लानतान किया करेंगे। ये हुजूर बाद वालों का ये अमल कि वो अपने से पहले गुजरे हुए लोगों पर लानतान करें, इसको हुजूर गुमराह ही करार दे रहे हैं। लेकिन इस दौर हवादसाते ज़माना, चूंकि अवामुन नास जो है वो कुरान और हदीस से रब्त कायम नहीं करते, मदारिस दीनिया से वाबस्तगी इख्तियार नहीं करते, खानकाहों से, बुजुर्गान दीन से, अल्लाह वालों से नस्बत कायम नहीं करते, इसलिए उनको आईने की तरह सब कुछ साफ शफाफ नज़र नहीं आता। और जो बयान करने वाला होता है वो उसको पता होता है कि मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं मैं इनको जो भी पट्टी पढ़ा दूं मसले ही कोई नहीं है, इन्होंने कौन सा जाके किताब देखनी है, इन्होंने कौन सा जाके तहकीक करनी है, इन्होंने कौन सा जाके किसी से पूछना है, इन्होंने कौन सा जाके किसी इदारे में पढ़ लेना है, लिहाजा मैं जो मर्ज़ी कह दूँ, बुराई को भी अच्छाई बयान कर दूँ तो इनको क्या खबर। यही वजह है कि आज बड़ों की तौहीन करने को दीन इस्लाम की तबलीग का नाम दिया गया। ये इस ज़माने की फी ज़माना जो लानतें पैदा हुई हैं उनमें से एक बड़ी लानत है कि कोई शख्स जब बकना शुरू करे तो वो अपने से पहले गुजरे हुए पर कीचड़ उछालना शुरू कर दे, जब बोले उसकी ज़ुबान खोले तो वो गंदगी फैलाना शुरू कर दे, जब उसकी ज़ुबान खोले तो वो तौहीन आमेज़ लहजा इख्तियार कर ले, इससे बड़ी लानत और कोई नहीं है। ये हुजूर के फरमान मुबारक के मुताबिक इस ज़माने की लानतों में से एक बड़ी लानत है। लेकिन इस ज़माने में इसको तबलीग दीन का नाम दिया गया और इसे रिसर्च का नाम दिया गया और इसे जो है वो कहा गया कि हम दीन इस्लाम बयान कर रहे हैं, लोग जो है वो दीन इस्लाम छुपाते हैं। भाई अगर छुपाते ही होते तो आप तक पहुँचता कैसे? आप तक दीन इस्लाम का पहुँच जाना, आप तक कुरान मिन वान पहुँचना अलहम से वन्नास तक, आप तक बुखारी, मुस्लिम शरीफ, इबन माजा शरीफ, निसाई शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, सियासत्ता की दीगर कुतुब अहदीस और इसी तरह आइम्मा दीन, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन का इल्मी काम आप तक पहुँचता ही ना। ये पहुँचा ही इसलिए है कि उन्होंने छुपाया कुछ नहीं है, उन्होंने खोल खोल के सबको बताया। लेकिन एक चीज़ याद रखें, हर चीज़ बताने की नहीं होती, हर चीज़ बताने की नहीं होती, ये बड़ी राज की बात है। अभी मैं चंद दिन पहले की बात है, हमारे पाकिस्तान के एक अहम तरीन इदारे ISI के जनरल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने भी सुनी होगी यकीनन, मैंने भी वो सुनी है, हो सकता है आपको इख्तलाफ भी हो, मुझे भी इख्तलाफ होंगे, लेकिन एक ख़ास बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया, कहने लगे मैं गैर ज़रूरी सच नहीं बोलूँगा, गैर ज़रूरी, बड़ा बड़ा भारी जुमला था, वल्ला यकीन जाने बहुत वजनी जुमला था, बहुत वजनी जुमला था और ये हिकमत से भरा हुआ जुमला है। गोया हर चीज़ बताने की नहीं होती, उसकी वजह यह है कि राज उसे बताया जाता है कि जो राज पचाने की सलाहियत रखता हो, राज उसे दिया जाता है, हर बोंगे बंदे ने राज नहीं दे देता जाता। मुझे आज इस मौके पे अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक तारीखी जुमला याद आया, किसी मौके पे खिताब करते हुए उन्होंने कहा मेरे सीने में हजारों राज हैं, मैं हर बात नहीं बताता, हजारों राज ऐसे हैं कि अगर चाहूं तो मैं बयान करूं तो आपके सीने फट जाएं, लेकिन ये हमारे बुजुर्गों की तरफ से हमें अमानतें मिलती हैं, हम जिनको अहल समझते हैं उन्हें ही देते हैं और आगे मुंतकिल हो जाते हैं, हर बंदे को राज नहीं दिए जाते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रजी अल्लाह तआला अन्हो, अताए रसूल हिंदुल वली, आपके 17 बेटे हैं और आपके खुलाफा की ढेर सारी तादाद है, 90 लाख लोगों ने आपके हाथ पे इस्लाम कबूल करके दारे इस्लाम में दाखिल हुए हैं, 90 लाख लोग, ढेरों आपके खुलाफा हैं, औलाद भी है। लेकिन वो जो राज वाली तस्वीर थी ना, राज वाला मुसल्ला था, वो जो राज वाला जुब्बा था, जो जुब्बा खिलाफत कहा जाता है जिसे, वो हर एक के हवाले नहीं करके गए, दम हर एक के लिए था, दरस हर एक के लिए था, सबक हर एक के लिए था, नसीहत हर एक के लिए थी, लेकिन वो जो राज वाली तस्बीह थी, राज वाला मुसल्ला था, वो जो अमानतें थी बुजुर्गों की, वो जो दस्तार थी इज्जत वाली, वो जो मुसल्ला था खिलाफत वाला,
वो हर एक को नहीं देखेंगे, वो एक को ही देखेंगे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। इसलिए कि अमानतें हर एक को नहीं दी जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फिर इसी मेयार पे अगर तोलेंगे तो फिर आप सरकार के बारे में भी कहेंगे माजल्ला सरकार ने बहुत सारी बातें छुपाई हैं। आप रुकें, ठहरें, अपने आप को किसी उस्ताद के पास बिठाएं, अपनी तरबियत के मराहल से आप गुजरें। आप जहालत के गड़े हैं, आपको नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, क्या बकते जा रहे हैं, क्या बोलते जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने सबसे ज्यादा सरकार की हदीसें इन्होंने रिवायत की हैं। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया करते थे, फरमाया नबी पाक अलैहि वसल्लम ने मुझे दो इल्म सिखाए हैं। कितने इल्म सिखाए हैं? दो इल्म सिखाए हैं। फरमाया एक वो है जो मैं तुम्हारे सामने लोगों को बयान करता हूँ, और उनके सामने जो लोग होते थे वो 14वीं, 15वीं, 17वीं सदी के लोग नहीं थे, या वो सहाबा थे या वो ताबीन थे, वो छोटे लोग नहीं थे, वो खुश नसीब थे जिन्होंने सरकार का जमाना पाया था, या वो खुश नसीब थे जिन्होंने उनका जमाना पाया था, जिन्होंने सरकार का जमाना पाया था। उनसे फरमा रहे हैं सैयदना अबू हुरैरा, क्या फरमा रहे हैं? फरमाया हमें सरकार ने दो इल्म सिखाए हैं, एक इल्म वो है जो मैं तुम्हारे सामने बयान करता हूँ, एक मेरे पास अमानत है मेरे आका और मौला की, अगर मैं तुम्हारे सामने बयान कर दूं तो तुम गर्दनें कत्ल करनी शुरू कर दो, बंदे मारने शुरू कर दो, तुम कत्ल करना शुरू कर दो जो वो बंदा बात कह दे। इसलिए वो सरकार की अमानत है, मैं तुमको बोलो नहीं बता रहा। तो सामने कौन थे? सहाबाए किराम थे। सामने कौन थे? ताबीन थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्होंने जमाना पाया वो सामने मौजूद थे। कहा नहीं, मालिक मुझे राज अता करके गए हैं, मैं जिसे अहल समझूंगा उसे बता भी जाऊंगा, लेकिन आम लोगों के सामने मैं बयान नहीं करता। तो ये भी दलील हो गई इस बात पे मेरे अजीजों कि हर एक बात बयान बोलो। अच्छा, आप सारे दुकानदार हजरात बैठे हैं और कुछ मुलाजिम भी होंगे जो दुकानों पे काम करते होंगे। मुलाजिमों से भी सवाल और दुकानदारों से भी सवाल। दुकानदार ने कभी अपने मुलाजिम को गले पे बैठने दिया? चलो मुलाजिम बता दें, दुकानदार तो खैर नहीं बताएंगे, गले की गलना दसना भी नहीं चाहिए, ये भी राज होंगे ने। मुलाजिम बताएं, क्या आपको आपके मालिकों ने कभी गले पे बैठने दिया? चीज कितने की खरीद के लाते हैं, कितने की बताते हैं आपको? क्यों नहीं बताते? इसलिए कि राज है, वो आपको अभी इस अहल नहीं समझते। जब अहल समझेंगे तो फिर आपको गले पे भी बिठा देंगे, राज भी बता देंगे। जिन लोगों को ये आज के दौर में ये वहम हो गया है कि छुपाया गया है, छुपाया गया है, छुपाया गया है, मेरे अजीज छुपाया नहीं गया, आप इस अहल नहीं थे कि आपको बताया जाता, आप अहल नहीं थे। अगर आप अहल होते तो वल्लाह जरूर बता देते। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद फरमाया, सहाबा गवाह हो जाओ, रब ने जो कुछ मुझे अता फरमाया था मैंने हू बहू तुम तक पहुंचा दिया है। अब बताओ सहाबा, तुम गवाही दो कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में कोई कमी तो नहीं की? अब सारे सहाबा ने क्या जवाब दिया? नहीं या रसूलल्लाह, आपने कोई कमी नहीं की, आपने अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती। हर एक ने कहा यार पहुंचा दिया आपने, कामिल तौर पर पहुंचा दिया, हत्ता कि इतना पहुंचाया कि आपसे अगर कोई हाथ भी मिलाता तो आप हाथ ना छुड़ाते जब तक अगला हाथ खुद पीछे ना करता, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन राज किसी एक के सीने में था, वो जो सीने जिसके सीने में राज था, जिसे राजदार बनाया गया था, वो जुबान से जवाब भी दे रहा था और उसकी आंखें भी बरस रही थी, इसलिए कि वो जानता था कि आज महबूब जो बात फरमा रहे हैं मैंने कमी तो कोई नहीं छोड़ी, ये सिर्फ हुजूर के जुमले ही नहीं हैं, बात कोई और चल रही है आगे। जिनके सीनों में राज था वो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रोने लगे। किसी ने कहा अबू बकर क्यों रोते हैं आप? कहा चुप कर जाओ, वजात का वक्त नहीं है, बस हुजूर के जुमले देखो, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे बद्दुआ को देखो। हुजूर जब ये बात इरशाद फरमा रहे हैं तो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे तबस्सुम भी है। वो तबस्सुम किसी और वजह से है, इस वजह से नहीं है कि मैंने दीन पहुंचाने में कसर कोई नहीं छोड़ी, इस वजह से तबस्सुम है कि हुजूर अपने रब के हुजूर पेश होने वाले हैं। तो जिनके सीने में राज था वो जानते थे इस हकीकत को कि ये जो फरमाया जा रहा है कि मैंने कमी तो कोई नहीं छोड़ी। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन पहुंचाने में कमी कोई नहीं छोड़ी, कोई बुखल तो नहीं किया, कोई चीज छुपाई नहीं। सारे यही जवाब दे रहे थे कि नहीं या रसूल अल्लाह, आपने कोई चीज नहीं छुपाई हमसे। लेकिन जिनके सीने में असल हिकमतें थीं वो जान गए कि हुजूर जो फरमा रहे हैं इशारा किसी और तरफ है। मेरे अजीजों, जिसको अहल समझा जाता है अमानतें उसे दी जाती हैं, जिसको अहल समझा जाता है। आज जो लोग ढिंडोरा पीटते हैं, छुपाया गया, छुपाया गया, छुपाया गया, झलिया। पहली बात तो यह है कि अगर छुपाया गया होता तो आज कुरान किताब की सूरत में तेरे सामने मौजूद ना होता। अगर छुपाया गया होता आज बुखारी शरीफ तेरे सामने मौजूद ना होती। अगर छुपाया गया होता तो आज मुस्लिम शरीफ मिन वान तेरे सामने मौजूद ना होती।
अगर छुपाया गया होता ये कुतुब सियासता दीगर कुतुब हदीस इस तरह किताबों की सूरत में मार्केटों के अंदर आम मौजूद ना पाई जाती। इनका पाया जाना इस बात की दलील है, छुपाया नहीं गया, बताया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है, लेकिन राज सिर्फ उनको बताया गया है जिनके सीने पाक साफ थे। राज सिर्फ उनको बताया गया है जिनके सीनों को अल्लाह ने मुंतखब कर रखा था अपने दीन के लिए। आपके ईमानों पे हमले होते हैं, आपके नजरियात पे हमले हो रहे हैं, आपके अकायद पे हमले हो रहे हैं। आपको शायद अंदाज़ा नहीं होता, वो बोली आपको बड़ी अच्छी लगती है लेकिन उस बोली के पीछे जो खतरात होते हैं वो भी कोई राज वाले जानता है कि इसका एंड ऑफ द रिजल्ट क्या निकलना है। आम आदमियों को ये लगता है कि बात बड़ी अचंभे की है, अनोखी बात की है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया। मैं बात यहाँ से इस तरफ आया था कि कुरान सरकार की हिदायत के लिए नहीं आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरकार की ज़ुबान से जो कुछ जाहिर फरमाया अपने हिकमतों के तहत उसकी ताईद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल किया है। उसकी ताईद के लिए, यह सरकार की ताईद के लिए आया, मेरे और आपके लिए हिदायत बन के आया। आज के दौर में जो ये कहे माज़ अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिदायत थी तो वो गुमराह है, उसके ईमान में शक नहीं पक है कि ये ईमान बर्बाद कर बैठा है अपना। ये कुरान मेरे और आपके के लिए हिदायत, और इसमें आप कई सारे मजामीन पढ़ते हैं, कहीं अहकामात तिजारत मौजूद हैं, कहीं अहकामात शरीयत, अहकामात नमाज मौजूद हैं, अहकामात रोज़ा मौजूद हैं। कुरान मजीद के अंदर मोमिन की निशानी बयान की गई, सूरह बकरा की इब्तिदा होती है, इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब व युकीमूना सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। फरमाया मोमिन की तीन निशानियाँ इब्तिदान, अगर किसी को देखना हो कि बंदा मोमिन है कि नहीं तो फरमाया तीन निशानियाँ इब्तिदान कौन कौन सी। युमिनूना बिलगैब, वो गैब पर ईमान लाता है। गैब क्या है? जो उसके सामने जाहिर नहीं, जो उसे दिखाई नहीं देता, जो उसकी अकल में नहीं आता, जो उसके शऊर में नहीं आता, उसकी समझ में नहीं आता, किसी कामिल के बताने पर वो उसे मान लेता है, ये मोमिन है। इसको आसान लफ्जों में और करूं, कहा तुम्हें रब नजर आए ना आए, तुम रब को सुन पाओ ना सुन पाओ, तुम रब को देख पाओ ना देख पाओ, जिस तरह मेरा महबूब कहे कि रब ऐसा है उसमें तरद्दुद नहीं करना, वसवसे का शिकार नहीं होना, तवहुमात का शिकार नहीं होना, कौम मूसा और कौम बनी इसराइल की तरह ये डिमांड नहीं करना पहले बखाओ तो फिर मन्ना गए, ये काम नहीं करने। कहा मेरे महबूब की सिर्फ जुबान पर तुमने यकीन रखना है, जो मेरे महबूब की जुबान पर यकीन कर लेगा अल्लाह के यहाँ मोमिन होगा, वो अल्लाह के यहाँ मोमिन होगा। अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, बड़ा झगड़ा हो रहा है आजकल हमारे माशरे में, गैब ये गैब वो गैब ये गैब वो गैब। मेरे अजीजो वो कमाल ही क्या कि जो अकल में आ जाए, देखें वो कमाल ही क्या कि जो आपकी अकल में आ जाए। हमारे यहाँ कारखाने लगते हैं, फैक्ट्रियाँ लगती हैं, कोई एक जीनियस दिमाग का आदमी होता है कि जो मशीनरी बनाता है उस पर सरमाया सर्फ करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे एक फैक्ट्री का एक कारखाने का ऑनर बना देता है। लोग दुआ में शामिल होते हैं, इफ्तिताह में शामिल होते हैं तो हर बंदा कह रहा होता है हाय 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 यार कितना आलीशान इसने कारोबार सेट किया है, कितनी आलीशान मशीनरी बनाई, यार मेरे दिमाग से नहीं आया। भाई अगर हर बात हर बंदे के दिमाग में आ जाती है तो फिर कमाल कैसा रह जाता। अल्लाह ने किसी को कमाल दिया है उसके जरिए बकिया को रिजक दिया है और यही निज़ाम कुदरत है, आपको समझ आए या ना आए, निज़ाम फितरत है कि किसी एक को कमाल देता है उसके जरिए बकिया को रोजी देता है। अब हर एक रब से ये डिमांड करने लग जाए कि या अल्लाह मैं फैक्ट्री का ओनर बनूंगा फिर तुझे रब मानूंगा तो बताएं ये मुतालबा दुरुस्त होगा? क्यों? इसलिए कि ये कानून फितरत के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि उसने किसको तिजारत देनी है, किसको कारोबार देना है, किसको कमाल देना है, और अगर कमाल अपने जहूर से पहले ही हर एक की अकल में आ जाए, कमाल अपने जहूर से पहले ही हर एक की समझ में आ जाए तो फिर कमाल कैसा? कमाल अकल में ना आए यही तो दलील है उसके कमाल होने की, कमाल अकल में नहीं आता। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहि सलाम से लेके जनाब ईसा अलैहि सलाम तक और जनाब ईसा से लेके मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सवा लाख अंबिया आए, हजार हाँ साल की तारीख इंसानी है, रब को वही मान पाए हैं जिन्होंने नबियों की जुबान पर एतमाद किया है और जिन्होंने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए हैं। मेरे अजीजो वो जनाब आदम से लेके मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रब को मान नहीं पाए,
इसलिए कि वो कहते हैं हमारी अकल में उतरेगा तो फिर ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर हर बंदा ये डिमांड करे कि मैं मजदूरी नहीं करूंगा, मैं फैक्ट्री का मैनेजर नहीं बनूंगा, मैं गेट कीपर नहीं बनूंगा, मुझे ऑनर ही बनाए मेरा रब, फिर मैं उसे रब मानूंगा। तो आपको कहा जाएगा मेरे अजीजा अकल तो तेरी अग गई ढिली सी ते हैं भी तू रज के जिद्दी। अकल तो तेरे को लग गई कोई नहीं सी, भी है कौड़ा करदा कुछ नहीं, बैठा रहा है मैनू भी खुआओ नाल बराबर दा, है कौड़ा करदा कुछ नहीं तो कहना मैं बराबर दा सूट पाना है, मैं बराबर दी घड़ी लैनी है, बराबर दी गड्डी लैनी है, बराबर दा मकान लैना है, फलाने में इतनी कोठी बन गई है तो मैं भी, फलाना वजीर आला बन गया तो मैं भी वजीर आला बनना है, फलाना वजीर आजम बन गया तो मैं भी नहीं, तो ऐ पई अज लत्तां खिल रही आ मैं बैठा जे थे। तो मेरे अजीजो मानने का जो मेयार है ना वो अकल में आना नहीं, अकल को महबूब के हुक्म के ताबे कर देना है। जिन्होंने अकल को महबूब के हुक्म के ताबे किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको उम्मत के लिए रोल मॉडल बना दिया है, और जो अपनी अकलों के घोड़े दौड़ाते रहे आज यही बात हमें बार बार सुनने को मिली, मेरी अकल में नहीं आता, भाई तेरी अकल छोटी है तो मान इस बात को, अगर तेरी अकल कामिल है ना तो फिर अपने जिस्म की बू दूर करके दिखा, अकलमंद जो है तू तेरे जिस्म से बदबू आती है दूर कर उसे, क्या मैं मुझे रब ताला ने कामिल अकल दी है, मैं अपनी अकल का इस्तेमाल करके अपने जिस्म की बू दूर करूंगा, तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर ये कमाल नहीं। लेकिन जिसको रब कमाल देता है उसका पसीना भी खुशबू बन जाता है, नहीं बात समझ आई आपको मेरी, जिसको रब कमाल देता है ये झगड़ों के मसले नहीं है, ये उसकी अता के मसले हैं, ये इख्तलाफात में हल नहीं होते मेरे अजीजो, ये बैठ बिठा के मुबासे करने से, तकरार करने से, मुनाजरे करने से नहीं होते, उसकी कुदरतों को मान जाने से हल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको कमाल अता किए, आज दुनिया ने वो साइंसदान भी देखे जिनका वजूद डेड हो चुका, अकल उनकी जिंदा है, दिमाग जिंदा है, मशीनरी लगा दी गई उनकी आंखों पे, वो आंखों में जो कुछ सोचते हैं, अंदर जो कुछ उनके चल रहा होता है दिमाग में, आंखों के जरिए मशीनरी में मुंतकिल होता है, मशीनरी आगे काम शुरू कर दे। यहां तक आ गई बात, मैं फिर चैलेंज करता हूं इन्हीं लोगों को जिनको इतना कमाल मिल गया, जिनकी अकल इतनी कामिल हो गई कि उन्होंने मशीनों को शऊर में जो कुछ तसव्वुर पैदा होता है उसके मुताबिक चलाना शुरू कर दिया। मैं फिर कहता हूं इन लोगों से, अगर तुम्हारी अकल कामिल है तो अपने जिस्मों की बू दूर करके दिखाओ, नहीं कर सकते इस वजह से कि तुम कामिल नहीं, और जिसको मेरे रब ने कामिल बनाया था उसके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठा करती थी, तो मान लेने में निजात है, अड़ जाने में निजात है, मान लेने में निजात है। इस पे मैं इंशाअल्लाह ताला किसी मौके पे फिर अर्ज करूंगा। वाखिरु दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।